बच्चों ये है 14 सितंबर 2022 की वर्कशीट मिशन मैथमेटिक्स के अंडर डीओई एनसीटी दिल्ली। इसमें जो क्वेश्चन आया है वो है 404 और 96 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होगा, दो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालेंगे 404 और 96 का। तो हमने इनको इस तरीके से लिख लेना है एलसीएम के लिए। अब हमने इसको अभाज्य गुणनखंड लेने हैं, तो यानी कि अभाज्य गुणनखंड में हम 2 लेंगे, 2 जा 4, 0 ऐसे उतारा, 2 जा 4, यहाँ पे हम लेंगे 2 4 जा 8, एक इधर गया, 2 8 जा 16, आपको उनके साथ साथ ही लेना है, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब 101 तो किसी से जाएगा नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, हम अब 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसके बाद इसको ऐसे ही लिख लेना है, 2 6 12, दोबारा 2 से 2 3 6। अब हम 3 से करेंगे, 101 ऐसे उतारेंगे, 3 1 3। इसके बाद अब ये 101 से जाएगा, 101 101 101। अब हमने एलसीएम के लिए लिख लेना है, इन सारे भाज्य गुणनखंड को लिख लेना है, 2 into 2, दो कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार लिख लेना है, 1 2 3 4 और 1 5 बार, 3 गुणा में 101। जब हम इन सबकी गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 9696। तो ये हो गया एलसीएम। अब हम एचसीएफ निकालेंगे, तो हमने 404 लिख लेना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, निकालेंगे इसको, 2 2 जा 4 0 ऐसी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0 ऐसी 2 1 जा 2, 101 101। इसके बाद हमने 96 का लेना है, 2 4 जा 8, एक इधर गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो अब 404 के हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लेने हैं, कितने दो कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 101 लिख लेना है। इसके बाद 96 के लिख लेना है, दो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 गुणा, ये हो गया 5 बार ही 2 गुणा में 3। अब जैसे कि मैंने बताया था एचसीएफ क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड में जो मिनिमम कम से कम पावर होगी और जो उभयनिष्ठ होगा यानी कि कॉमन होगा वो वाला लेना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 कॉमन है एक बारी और एक बारी बस 2 यहाँ पे कॉमन है और कहीं कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हो गया इन दोनों का 2 की घात 1 2 की घात 1, तो यानी कि 2 दूनी 4। अब हमें इसमें जैसे कि जांच भी करनी थी कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम देखेंगे यहाँ पे अगर मैं देखूँ 404 और 96 को गुणा करके देखूँ मैं, तो हमारे पास कितना आएगा, 38784। और अगर मैं एचसीएफ जो हमने निकाला है और अगर मैं एलसीएम की गुणा कर दूँ आपस में, यानी कि एचसीएफ कितना था 9696 और गुणा में 4 कर दूँ, तो ये भी मेरा आने वाला है आएगा 38784। तो यानी कि इसका मतलब जो एलसीएम गुणा एचसीएफ है वो है बराबर दो संख्याओं का गुणनफल।